हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं सवीर और आप देख रहे हैं सवीर सीमेंट आर्ट चैनल। अगर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैं आज आपको बताऊंगा कि सीमेंट का जो डिज़ाइन बनाएंगे उनमें कौन कौन से टूल्स का ज़रूरी पड़ेगा, आपको कौन सा औजार ज़रूरी पड़ेगा, कौन सा औजार रखेंगे कि आपको जो है काम करने में आसानी हो। तो ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। डंडे फटे होंगे तो उसके लिए, सैटरिंग के लिए आपको रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है। आपको पहले रस्सियाँ लेना पड़ेगा, ये देख लीजिए, ये रस्सियाँ हैं पैर बांधने के लिए आपको ज़रूरी पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको रस्सियों का ज़रूरत पड़ेगा जो पैर बांधना है। उसके बाद आपको चाहिए एक इंची टैप, ये रहा इंची टैप, आपको एक इंची टैप चाहिए। इंची टैप से आप नपाई कर सकते हैं, आपको भी पता होगा अगर जो डिज़ाइन का काम करते हैं तो इंची टैप जो है बहुत ज़रूरी है। इनसे आपको हर एंगल से नपाई कर सकते हैं आपको कि कहाँ पे कितने इंच लेना है, कितने फुट लेना है, कितने मीटर लेना है। तो आपको इंची टैप का होना बहुत ना चाहिए आपको POP के काम के लिए। उसके बाद आपको चाहिए एक सूत, इसमें देखिए ये उजाला लगा हुआ है जो हम लोग देसी भाषा में नील का भी बोलते हैं। आपको एक उजाला भी चाहिए, उजाला लगा हुआ है, उजाला तो नहीं है, ये सूता है, सूत में लगा हुआ है। तो आपको एक उजाले का डब्बा भी चाहिए क्योंकि सूत लगाने के लिए में जो है, सूत में जो उजाला लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप निशान लगा सकते हैं। तो ये सूत हो गया आपको के लिए। मसाले बनाने के लिए भी अगर मिलाना हो तसले में तो आपको एक करंडी चाहिए, बड़ी सी एक करंडी रख सकते हैं आप, तो ये मसाले मिलाने के लिए ठीक होता है। तो एक कंडी आपको चाहिए, एक छोटी करंडी है जिनको आम भाषा में हम लोग मजोला भी बोलते हैं, मजोली, और छोटी करंडी भी बोलते हैं, तो एक छोटी करंडी भी होना चाहिए। तो पंखे के लिए आपको चाहिए एक सीट चाहिए, फैन सीट। फैन सीट का ये काम होता है कि अगर आप फैन सीट लगा के निशान लगाएंगे तो आप POP करके भी चले जाएंगे तो जो बिजली वाले आएंगे उनको फैन सीट लगाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, और इसके हिसाब से जो है उसका जगह छूटा हुआ रह जाएगा तो उनको लगाने में दिक्कत नहीं होता है जो आप सर्कल घुमाएंगे। तो इसलिए इसे सर्कल घुमाना भी आसान हो जाता है और आपको निशान लगाने के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको एक चाहिए प्लेन सीट जो पंखे की जगह लगेगा। अगर आप कंसीट लाइट अगर आपको मिल जाए, छोटी सी जंक्शन बॉक्स नहीं, कंसीट लाइट, तो छोटी सी, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी सीट भी चाहिए जो ये नाप का रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि बिजली वाले आए तो उनको दिक्कत नहीं हो। तो एक आपको चाहिए छोटी सी जंक्शन बॉक्स। मोल्डिंग बनाएंगे तो मोल्डिंग के लिए आपको चाहिए फर्मे, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 32 mm का पाइप है ये बिजली का, ये देख लीजिए, ये काम कर करके घिस गया है, ये देखिए 32 mm का मोल्डिंग वाला जो फर्मा है, ये साइड में भी आप लगा सकते हैं लाइनिंग, उसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर एक मोटा भी मारना पड़ता है जो 40 mm का, ये भी घिस गया है, ये देखिए, ये भी हमने खुद हाथों से बनाया ये टूल्स, ये 40 mm का पाइप है, ये ऑलरेडी जो है जो प्लम्बर का होता है उस दुकान पे भी मिल जाएंगे, ये प्लम्बर वाला है और ये बिजली वाला है, ये 32 mm का, ये दूसरे वाला सफ़ेद कलर का, और ये जो है 40 mm का है, ऑलरेडी आपको वीडियो मैंने बना के दिखा चुका हूँ। तो ये आपको चाहिए, ये साइड में आप लगाएंगे जहाँ पे आप जो है दीवार और छत का जो कोना होता है वहाँ पे आपको बनाने के लिए ये मोटे वाले पहले चाहिए, फिर उसके बाद आप पतले वाले मारेंगे लगाएंगे ये मोल्डिंग वाला, और छत में भी मोल्डिंग अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए भी ये लंबी वाली। अब आपको चाहिए कि अगर हमें पंखे बनाने हैं या छोटी सी कंसीट लाइट बनानी है तो उसके लिए आपको छोटे फर्मे का ज़रूरत पड़ेगा, जो ये 3 इंच 4 इंच का बना सकते हैं आप, 3 इंच का है वैसे, छोटी सी कंसीट लाइट में बनाने के लिए भी ठीक होता है ये। तो ये हो गया आपको, और आप अगर कटिंग करेंगे, सफाई करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए एक चाकू, जिसको हम लोग करदा भी बोलते हैं, यहाँ पे चाकू भी बोला जाता है। ये चाकू देखिए घिस घिस के इतना छोटा हो गया, ये इतना बड़ा था, ये नया चाकू है, ये देखिए, ये भी थोड़ा घिसा हुआ, ये भी नए नए, ये नए हैं, ये देखिए, और घिस घिस के ये छोटा सा हो गया है,
तो आपको ऑलरेडी चाकू भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाकू से अगर बीच बीच में अगर मसाले फंसे होंगे तो उस जगह नहीं तो आपका कंडी जाएगा, नहीं तो आप हाथ से साफ़ कर सकते हैं। तो चाकू जो है बहुत ही अच्छा होता है मतलब साफ़ करने के लिए, तो चाकू आपको बहुत ही ज़रूरी है पीओवी के लिए। और कटिंग करने के लिए जहाँ जहाँ पे आप देखते हैं इस साइड से भी मोल्डिंग आया और उधर से भी आया, तो क्रॉस पे अगर कटिंग मारना हो तो चाकू से बहुत अच्छा होता है क्रॉस कटिंग करने के लिए, तो इसलिए आपको चाकू बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको बीच में पंखे के बीच में जो है कई बार देखे होंगे डिज़ाइन में जो है पत्ते पुत्ते कटे हुए होते हैं, तो ये छोटा पत्ता है, इनसे चौड़े भी बना सकते हैं। तो ये टीन का हमने बना रखा है, आप गत्ते पे भी बना सकते हैं या टीन का भी बना लेंगे, इनसे भी ज़्यादा चौड़ा बन जाता है, वो भी मैं वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा। तो ये छोटे से पत्ते हैं, ये आपको भी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कैंची, कैंची भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको जैसे वही मैंने बताया अभी कि पत्ते काटना हो, गत्ता है, गत्ते पे ही काटना है, तो आप कैंची से काट सकते हैं, तो इसलिए आपको जो है कैंची भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये हम लोग रखते हैं पत्ती, ये पत्ती है कोई 2 इंच की होगी, 3 इंच, ये पत्ती भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमने मोल्डिंग या कोने का जो है थोड़ा ज़्यादा खींच दिया हमने, तो उस जगह बाद में कटिंग करते हैं तो मसाला लगा रह जाता है, तो मसाला को जो है साफ़ करने के लिए ये छत का बहुत अच्छा होता है, ताकि सफाई भी हो जाए और एक छोटा सा पत्ती भी रहे तो साफ अच्छी तरह से हो जाता है, तो हम लोग इनसे साफ करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है छोटा पत्ती, जो पुट्टी पट्टी करते हैं जिससे वही पत्ती है, ये छोटे वाली है जो देखिए 2 इंच। उसके बाद आप जो है कटिंग करेंगे मोटे गोले पतले गोले को, जैसे देखे होंगे कि रस्सी रस्सी जैसी कटिंग की हुई है, तो वो है हमारा ये पत्ती, और ये पत्ती आपको कहाँ मिल जाएगा, अगर पुराना इंची टैप होगा तो उसको, अगर वो काम का नहीं होगा तो आप उसको तोड़ के जो है उसके बीच में ये पत्ती होता है, ये पत्ती आप निकाल के इनसे कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए जैसे ग्रुप निकालते हैं तो उसको इस तरह से आप मोड़ेंगे, ये देखिए फोल्ड किया और इस तरह से खींच देंगे, खींच के और आप ग्रुप निकाल देंगे, ये है ये देखिए, तो ये हो गया आपको, ये इंची टाइप के बीच में होता है, पुराना इंची टाइप है, उसको तोड़ लें और निकाल लें, ये पत्ती हो गया। उसके बाद आप इससे आप पहले जो है सूता का निशान लगा लेंगे, तो उसके बाद जो है आपको ये नीरू लगाने का काम आ जाता है, जिसको घोला भी बोलते हैं हम लोग, सीमेंट और पानी जो है घोल के जो लगाते हैं उसके लिए है ये। और अगर जहाँ पर जोड़ होगा वहाँ पर आप जो है इससे जोड़ पे थोड़ा सा पानी और घोला बना के आप जो है उस जोड़ को मिलाने का काम आ जाता है, ये 1 इंच का ब्रश, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, उसके बाद जब काम फाइनल हो जाएगा मोल्डिंग का, पंखे का, साइड का, तो आपको एक सूखा ब्रश भी होना ज़रूरी है। सूखा ब्रश से आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर अगर आप सूखा ब्रश मार देते हैं तो फिनिशिंग अच्छा हो जाता है, तो उसके लिए आपको जो है एक ये सूत है, इसमें आप क्या करेंगे, एक इसमें जो है अगर आप निशान लगाते हैं, जैसे गुलाई लगाना है, गुलाई लगाना है, तो आप जो है क्या करेंगे इसमें एक कील यहाँ पे बांध देंगे, कील बांधने के बाद एक दूसरे छोर पे आपने जैसे रखा, मैं जैसे यहाँ पे रखे और जैसे नचाना हो मतलब गुलाई निकालना हो, तो यहाँ पे दाब के और जो है एक कील लगा होगा, कील वाले सूत बोलते हैं हम लोग, कील वाला सूत, तो वो जो है लगा के आप इसका राउंड कर सकते हैं, तो एक वो भी रखना ज़रूरी है आपको। बस इतना सामान आपको मोटा मोटी चाहिए, जो आप जो है पीओपी का काम कर सकते हैं सीमेंट का, कोई ज़्यादा औजार नहीं है, कोई भारी औजार भी नहीं है, नॉर्मल औजार ही है, नॉर्मल टूल्स है, इस टूल्स से जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो हमारे पास इतना, तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, अगर कोई चीज़ पूछना हो तो ज़रूर कॉमेंट में आप पूछा करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ।